हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गुड़ का तिलकुट। गुड़ का तिलकुट बनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति पे या फिर सकट चौथ पर प्रसाद के रूप में। और उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल सफ़ेद तेल, गुड़ की शक्कर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ मैं बादाम। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और अगर पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में तिल को गर्म कर लेंगे। उनको भूनना है बेसिकली लाइट ब्राउन होने तक, उनकी खुशबू आने तक, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। हमें तिल को अच्छे से साफ कर लेना है, जो भी कूड़ा या मिट्टी होती है उसको छान लेना है अच्छे से या हाथों की हेल्प से निकाल लेना है। उसके बाद ही हम तिल को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इनको भूनना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये। इनको भूनने के बाद हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। आप चाहें तो तिलकुट चीनी के साथ भी बना सकते हैं या फिर गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ मैं गुड़ की शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। गुड़ के साथ भी इसको सेम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए अभी हमारे तिल भुन चुके हैं, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब ये ठंडा हो चुके हैं और हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद पहले हम प्लेन ही ग्राइंड करेंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर भी ग्राइंड करेंगे। अब मैं इसमें गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं और गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। और हम इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए तिल को बिल्कुल बारीक पीस लेना है हमें। और हमारे तिल पीस कर तैयार हैं। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। और बाकी की बची हुई शक्कर मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे तिलकुट की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।